देवास नगर निगम ने वैक्सीनेशन में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। शहर की बालाजी मोबाइल शॉप और एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। दरअसल इन दोनों प्रतिष्ठानों के स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी थी। 6 तारीख तक भी स्टाफ ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली थी, जिसके चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई से वैक्सीनेशन को गंभीरता से नहीं लेने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये वैक्सीनेशन जिन लोगों का ड्यू है, सेकेंड डोज जिनका निकल गया है, डोज लगवा नहीं रहे हैं। अब आपको भी मालूम है कि अभी एक नया स्ट्रेन और आ गया है, तो सरकार का ये एम है कि भाई सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाए। 9 से वैक्सीनेटेड रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पर आए हैं ये बालाजी टेलीकॉम, इसके एक व्यक्ति का जो है 16 सितंबर को ही ड्यू डेट निकल गई थी सेकेंड डोज की, 2.5 महीने से वैक्सीन नहीं लगवाया है। 2.5 महीने काफी ज्यादा होते हैं, और एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि राजौरा में वैक्सीन नहीं लग रहा। तो डेली देवास में आ रहे हो आप, देवास में तो रोज ही कैंप लग रहे हैं, रोज कहीं पर भी जाके वैक्सीन लगा सकते थे। 2.5 महीने कितना ज्यादा बड़ा टाइम है। गलती ऑनर की है जो अलाउ कर रहा है अपने स्टाफ को बिना वैक्सीनेशन के। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सारे प्रतिष्ठान से सभी लोगों से, कि आप लोग अपने एम्प्लॉय का, आप भी स्वयं वैक्सीनेट हो और अपने एम्प्लॉय को वैक्सीनेट करो। तीसरी लहर से बचना है तो जरूरी है वैक्सीनेशन।